सर्दी के मौसम में बच्चों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और आज के समय में बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को भी त्वचा से संबंधी कई बीमारियों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ ऐसे नियम हैं जिनका उपयोग अगर हम अपने दिनचर्या में करते हैं या फिर उनको अपनी कार्यप्रणाली में शामिल कर लेते हैं तो केवल बच्चे ही नहीं घर के सभी सदस्यों को होने वाली बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसी नियमों के बारे में सिविल अस्पताल में आयुर्वेद से लोगों व बच्चों का इलाज कर रहे अनुभवी डॉक्टर सतीश कुमार ने एबीसी चैनल की टीम से विशेष बातचीत करके इन नियमों की जानकारी दी। आयुर्वेद के बहुत से तरीके हैं जी, और आयुर्वेद तो हमारे खून में मिला हुआ है, हमारी एक स्वदेशी परंपरा है, सदियों से चली आ रही है, बस हम उसको भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति का हमने आडंबर ओढ़ लिया है, इसलिए हमारे बच्चे बूढ़े जवान सभी दुखी हैं। बच्चों में विशेष रूप से आजकल फास्ट फूड का चलन हो गया, घरों में घर का खाना देते नहीं है, बाहर की चीज़ें उनको खिला देते हैं, कुरकुरे मैगी तमाम चीज़ें फास्ट फूड की ऐसी चीज़ें जो बच्चा उनको खाता रहता है तो भूख उनको लगती नहीं है, लीवर उनका शुरू से ही ख़राब कर देते हैं, स्किन की तमाम पॉल्यूशन है, इसके साथ साथ तमाम केमिकल के जो साबुन हैं शैम्पू हैं फेस वॉश है तमाम छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर देते हैं, उनमें तमाम केमिकल होते हैं जो बच्चों के लिए उनकी कोमल त्वचा के लिए बहुत हानिप्रद हैं, उनसे बचना चाहिए। शुद्ध सरसों का तेल है, तिली का तेल है, इनसे बच्चों की मालिश करनी चाहिए, इससे उनकी स्किन हेल्दी भी रहेगी और उसकी शक्ति भी इतनी बढ़ जाती है, उसमें एलर्जी अपना असर ही नहीं दिखा पाती है। विशेष रूप से फास्ट फूडों से बच्चों को बचाना चाहिए, घर का खाना खिलाना चाहिए बच्चों को, और उनको कुछ बच्चों के बहुत से टॉनिक हैं जैसे कि सर्दियों में च्यवनप्राश खिलाओ, हरड़ एक ऐसी चीज़ है जो हरिदकी के लिए आयुर्वेद शास्त्र में कहा है कि हरड़ जो है माँ के समान हितकारी होती है जी। हरिदकी सदापथ्या मातरेव हितकारिणी, माता कदाचित कुप्यंती ना उद्रष्टा हरिदकी, माँ कभी बच्चे में चपत भी मार सकती है लेकिन हरड़ पेट में जाने के बाद किसी प्रकार का की हानि करती ही नहीं है, इसलिए हरड़ का चूर्ण बच्चे को चूर्ण नहीं दें, उसको घिस के दे दें। सेंधा नमक है, काला नमक है, हरड़ है, सौंठ है, हींग है थोड़ा सा, उसको पहले पत्थर पर घिस के चटाया करते थे, आज उन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे पेट से संबंधित उनको मोशन ही नहीं होता है, बच्चों को तमाम छोटे छोटे बच्चे हमारे पास भी आते हैं जिनके अभी से पाइल्स की प्रॉब्लम है जो कि एक अर्ली एज में हुआ करती थी 40-50 साल के बाद में, वो प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को है, तो ये पेट संबंधी प्रॉब्लम जो है खान पान से ही हमने ही उनकी आदतें, अब हमें हमारी स्वस्थ दिनचर्या आयुर्वेद की चीज़ें अपनानी चाहिए। घरों में छोटी मसालेदानी में ही आयुर्वेद है, मसालों का सही से उपयोग करते रहें, जीरा है, सौंठ है, हींग है, अजवाइन है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, इनसे सब स्वस्थ रहते हैं, पहले से स्वस्थ आते रहें, तो ये है कि इस चीज़ को अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चलन है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आज की नए बच्चों ने कि माँ बाप सुबह बच्चों को दूध नहीं पिला पाते या दूसरा हेल्दी नाश्ता नहीं दे पाते, बल्कि बच्चे भी मांग करने लगे हैं, बल्कि उनको दो मिनट में बनने वाली मैगी को पैक करके दे दिया जाता है। ये चीज़ गलत है जी। देखो ऐसा है, बच्चे तो उनको जो चीज़ हम एक बार जिस उस पर डाल देंगे वो बच्चे उसी को सीख जाते हैं, बच्चों को सिखाने वाले माँ बाप ही होते हैं, माँ बाप ये इतने हैं कि पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब बच्चों में संस्कार भी नहीं आ रहे, अब एकाकी परिवार है, एक बच्चा है उस पर भी पूरा ध्यान नहीं देते हैं, 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, माँ बाप के पास समय ही नहीं है, तो बच्चा तो माँ बाप से कटे हुए हैं आज के ज़माने में, तो बच्चों को तो ढंग से ही रखा जाता है, उनको घर की चीज़ें सिखाई जाती हैं, बादाम खिलाओ बच्चों को, बहुत सी चीज़ें खाने की अच्छी चीज़ें, हेल्दी डाइट हैं, दलिया दिए देना चाहिए बच्चों को, दूध पिलाना चाहिए, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, नेचुरल कैल्शियम दूध में होता है, और तमाम रसायन च्यवनप्राश जैसे योग बच्चों को खिलाते रहो, बच्चे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं माँ बाप, जिनको अपना कर बच्चों की हेल्थ का पूरा ध्यान रखा जा सकता है? बच्चों की हेल्थ का यह है, तमाम केमिकल से बने हुए साबुन शैम्पू फेस वॉश इन चीज़ों से तो बच्चों को बचाना चाहिए, तो इससे तो हेल्थ जो उनकी स्किन के लिए जो हानिकारक चीज़ें इनसे बचना चाहिए। शुद्ध सरसों का तेल है, तिली का तेल है, जैतून का तेल है, इनसे बच्चे की मालिश करनी चाहिए। खाने में भी शुद्ध तेलों का ही उपयोग करना चाहिए, ना कि सोयाबीन के और तमाम जो तेल आ रहे हैं आजकल वो सब हानिकारक हैं, सरसों मूंगफली तिली
इन तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए, घी गाय का खिलाना चाहिए, दूध भी बच्चे को गाय का पिलाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आज का जो जनरेशन है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत कम होती जा रही है। रोग प्रतिरोधक क्षमता इसीलिए कम हुई है कि हमारी स्वस्थ दिनचर्या अपनाते नहीं है, रात भर टीवी देखते हैं, किसी चीज़ का ध्यान ही नहीं है, कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, कब उठना है, कब बैठना है। तो अब इस वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और तमाम पॉल्यूशन और ये चीज़ें बढ़ गई। फास्ट फूड का चलन आ गया, घर का खाना खाते नहीं है, लेट आवर्स में क्लबों में और उनमें जाना और होटलों का खाना खाना, तो ये इसलिए तो हमारे क्या इम्यूनिटी तो गिरनी है। हमारी स्वस्थ दिनचर्या तभी अपनाएंगे जब स्वस्थ आहार लेंगे। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये आयुर्वेद के अनुसार 3 उपस्तंभ कहे गए हैं। जब आहार सही होगा, नींद सही होगी, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। आयुर्वेद क्या कहता है कि स्वस्थ जीवन किस तरीके से बनाया जा सकता है? आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ जीवन यह है कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठित, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी चाहिए, उसके बाद खाने का जीर्ण अजीर्ण च निरूपण, जीर्ण अजीर्ण का स्थिति देख के फिर उसकी आगे की दिनचर्या चालू होती है। उसके बाद दांतों की सफाई है, शरीर की शौच आदि से निवृत्त होना है, फिर उसके बाद योगा प्राणायाम करना है, फिर अपने काम पे जाना है। सुबह का नाश्ता 8-9 बजे के आसपास, दोपहर का खाना 11-12 बजे के बीच में, शाम का खाना भी 7-8 बजे के आसपास लेना चाहिए तो स्वस्थ रहा जा सकता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? लोगों को मैसेज यही है कि आयुर्वेद को अपनाएं, बाहर की चीज़ों से बचें, केमिकलों से दूर रहें, स्वस्थ खाना लें, स्वस्थ दिनचर्या रखें, देसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।